ये देख रहे हो गर्म है। अपनी राइड की अपडेट दे दूंगा, पीछे वाली ब्रेक टाइट करनी है हल्की सी बस। मेरा जो राइड का प्लान था वो, अरे ये खुला तो है। मैं राइड पे कहाँ जा रहा हूँ? सो मैं जा रहा हूँ इतनी गर्मी में, फिर इसको निकालेंगे जब निकलूंगा मैं ट्रिप पे। अरे टैंक ना खाली था, 1000 का 10 लीटर आ गया। ओहो हो क्या गर्मी लग रही है। जब बाइक लगी थी सुबह को लग रहा है रिम ना हल्का सा बेंड हो रखा है, टायर हल्का हल्का हिल रहा है ऐसे ऐसे, वरना भाई फिर से चलाना होगा अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं जा रहा हूँ अभी सैलून दाढ़ी वगैरह सेट करवाने के लिए। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज मैं अपनी राइड की अपडेट दे दूंगा कि मैं राइड पे जा रहा हूँ या राइड कैंसिल कर रहा हूँ, जो भी है वो आज के ब्लॉग में बता दूंगा। पहले तो चलेंगे हम सैलून दाढ़ी वगैरह सेट करवाते हैं, फिर थोड़ा एक दो सामान लेने मेरे को वो लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को कि मैं राइड पे जा रहा हूँ और अगर जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ और नहीं जा रहा हूँ तो क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो सारा बताऊंगा अभी आपको ब्लॉग में आगे। उसके लिए आगे ब्लॉग में बने रहो। तो सबसे पहले चलते हैं नीचे पार्किंग से बाइक निकालते हैं, और आज मेरे को ना बाइक का पोल्यूशन भी करवाना है क्योंकि 2-3 दिन से मैं भूल जा रहा हूँ। आज ना पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा तुम लोगों को, आज ना वो पोल्यूशन भी करवाना बाइक का, वरना भाई फिर से चलाना होगा अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो। सो मिलते हैं आपसे सीधा नीचे चल के बाइक पे। सो फाइनली गाइस मैं घर से निकल के आ गया हूँ, अभी सबसे पहले चलते हैं सैलून, दाढ़ी वगैरह थोड़ी सेट करवा लेते हैं। कल मेरे माइंड से निकल गया कि भाई मेरे को सैलून में जाना था, घर पहुँच के आया मैंने कहा वापस कर जाऊँ, कोई ना कल जाऊँगा फिर। सो एक बार यहाँ पे रुक के ना आपको आज फिर से दिखाता हूँ जो यूट्यूब चैनल का नाम लिखवाया ना, कल तो थोड़ा अंधेरा हो गया था तो प्रॉपर आप लोगों को पता नहीं चला होगा। सो यहाँ पे आगे रुकता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ रोकते हैं बाइक। एक तो ना धूप में रुकने में ना हालत खराब हो जा रही है, गर्मी ऐसी लग रही है ना। सो देख रहे हो ये तो मैंने कल करवाया था ब्लू सारा, देख रहे हो ये वाला भी, और ये लिखवा रखा है मैंने चैनल का नाम फ्रॉम द हिल्स, और इस साइड देख रहे हो ये बनवाया था मैंने। अब चलते हैं सैलून, और चेन भी लूप करनी है आज मेरे को। सो अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि मेरा जो राइड का प्लान था वो कंफर्म हो चुका है, मैं निकल रहा हूँ राइड पे। मैं कहाँ निकल रहा हूँ और कब निकल रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले सैलून से फ्री हो जाते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब निकल रहा हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ ना ये मैंने नहीं हिमाचल जाने से पहले सोच रखा था कि अगर हिमाचल नहीं जाता मैं उस दिन तो मैं राइड पे निकल गया होता है। अभी जहाँ का मैंने प्लान कर रखा है जहाँ निकलना है मेरे को, जिस टाइम मैं हिमाचल निकला था ना उससे पहले भाई मौसम भी सही था, इतनी गर्मी वगैरह नहीं थी, और अब भाई निकलने का तो मैंने फाइनल कर लिया है, पर भाई हालत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी है ना हाईवे पे तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। सो देखते हैं जैसा भी रहेगा, क्योंकि अब निकलना तो है ही है, क्योंकि मैंने फाइनल कर दिया है कि मैं निकल ही रहा हूँ। चलो यहाँ पे ना भीड़ ना हो भाई, मेरा नंबर लग जाए जाते वरना फिर यहाँ वेट करना पड़ेगा, और मैं कॉल करके भी नहीं आया हूँ भाई, नहीं बंद निकला, मैंने कॉल नहीं ना की थी, अब कहीं और कटवानी पड़ेगी यार। सो एक काम करता हूँ पहले ना अब चल के बाइक का ना पोल्यूशन करवाता हूँ, क्योंकि ये ना आज खत्म हो जाएगा और मेरे को राइड पे भी निकलना है, और मैं फिर भूल जाऊंगा, और फिर राइड पे अगर बाई चांस पुलिस वाले ने रोका तो भाई चलान हो जाएगा। सब चलते हैं पहले इसका पोल्यूशन करवाते हैं, उसके बाद किसी और सैलून पे चलते हैं। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं पेट्रोल पंप, अब यहां पे ना पोल्यूशन करवाते हैं बाइक का, एक बाइक लगी हुई है पहले ही। सो कोई ना अपने भी पे खड़ी करते हैं। सो चलो अपने बाइक का नंबर आ गया है, पीछे ये देख रहे हो ऐसे होता भाई, ठीक है। अच्छा पूरा जाम कर रहे हैं, और टाइट करूं कितना टाइट करना पड़ेगा, गर्म भी बहुत है। ठीक है काफी टाइम लग रहा है बस। ओ भाई गर्म है, इस पोल्यूशन हो गया तो इसको ना बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल देता हूँ, इसमें डाल दिया। और ये रहा ये येलो वाला है ना, ये था पुराना, ये ना मैंने शायद आनंद विहार वाली साइड कहीं करवाया था, इसको निकाल दूंगा घर जाके, नए वाला भी इसमें डाल दिया मैंने। अब निकलते हैं यहाँ से भाई, गर्मी लग रही है भयंकर ना यहाँ पे, धूप में खड़ा हूँ ना इस टाइम। सो चलो यहाँ से निकलता हूँ, अब चलते हैं सैलून, देखते हैं भाई कोई खुला हो। अरे फोन डाल देता हूँ बैग में क्योंकि जेब से ना गिरने का डर है। सो फाइनली पोल्यूशन भी हो गया है, अभी मैं पेट्रोल पंप आया था, मैं सोचा था क्यों ना टैंक फुल करवा लेता हूँ, पर भाई वॉलेट चेक किया तो उसमें कार्ड ही नहीं था। सो एक काम करता हूँ पहले चलते हैं सैलून, दाढ़ी वगैरह करवाता हूँ और
उसके बाद ना फिर घर जाके कार्ड उठा के ले आता हूँ, क्योंकि कल हो सकता है कि मैं आईफोन से एक ब्लॉग बनाऊँ स्कॉर्पियो में, तो कल तो फिर बुलेट निकलेगा नहीं और फिर परसों मेरे को, तो मैं बता देता हूँ कि मैं परसों निकल रहा हूँ राइड पे। हो सकता है कि इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो मैं आईफोन से शूट करूँ, और वो आईफोन से शूट करूंगा तो वो स्कॉर्पियो में बनेगा, क्योंकि बुलेट में तो नहीं कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए ना हो सकता है कल शायद बुलेट खड़ा रहे और परसों मेरे को राइड पे निकलना है। तो पॉल्यूशन वाला काम तो हो गया है, अब आज इसका टैंक भी फुल करवा लूंगा और फिर परसों निकल जाऊंगा मैं राइड पे। और मैं राइड पे कहाँ जा रहा हूँ, सो मैं जा रहा हूँ इतनी गर्मी में राजस्थान। राजस्थान में अकेले जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई जा नहीं रहा है। सो राजस्थान में मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, अभी रुकूंगा क्योंकि गोप्रो की ना बैटरी खत्म हो गया है तो बंद हो रहा है, तो एक बार ना मैं चेंज कर लेता हूँ। इस बैटरी मैंने चेंज कर ली है, अब चलते हैं। कहाँ जा रहा हूँ वो तो आपको पता ही चल चुका है और कब जा रहा हूँ वो भी आपको पता चल चुका है। सो परसों राजस्थान निकल रहा हूँ मैं, पर राजस्थान में मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो परसों पता चलेगा आपको जब मैं निकलूंगा यहाँ से। और इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है ना यहीं पे, उस साइड तो पता नहीं क्या बुरी हालत हो रखी होगी, सो देखते हैं। एक्चुअली मेरा मन था जब मौसम सही था ना पीछे थोड़े टाइम पहले ठंडा ठंडा मौसम था, तो मैंने उस टाइम सोच रखा था कि राजस्थान निकलता हूँ, और उस टाइम फिर मैं हिमाचल निकल गया तो फिर वो राइड मेरी कैंसिल हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मेरा कहीं निकलने का मन तो कर ही रहा है, अभी लास्ट दो ट्रिप मैंने पहाड़ों के मार रखे हैं तो मेरा मन भी कर रहा था राजस्थान साइड जाने का। सो मैंने सोचा चलो कोई ना गर्मी देखी जाएगी, निकलते हैं। सभी मेरे को मने कर रहे थे कि इतनी गर्मी में गुजारे राजस्थान वाली साइड, कहीं और निकल जा पहाड़ों में, पर मैंने कहा नहीं भाई मेरा मन हो रखा है सब राजस्थान जाने का, तो भाई वहीं जाऊंगा पहले, उसके बाद पहाड़ों में जाते रहेंगे। सो कितने दिन के लिए जाऊंगा ये भी अभी तक कुछ पता नहीं है, इसीलिए मेरा राइड का ना 50-50 हो रहा था, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी में राजस्थान जाऊं या नहीं जाऊं। पर फिर मैंने ना फाइनल कर दिया, मैंने कहा जाएंगे यार राइड पे जाएंगे। सो परसों मेरे को निकलना है, तो उससे पहले मेरे को थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है अपने लिए। ओहो भाई बहुत गर्मी है, हाईवे पे तो पक्का हालत खराब होने वाली है मेरी। यहाँ पे भी था एक सैलून, तो एक और देखते अगर होता है खुला तो यहीं पे करवा लूंगा। कहाँ है कहाँ है, एक तो इतने टाइम बाद आ रहा हूँ ना पता नहीं चल रहा है। ये भी बंद है, मैं कल भूल गया ना उस चक्कर में सारा काम खराब हो रहा है। एक लास्ट यहाँ पे आ गया, एक वो वाला देखता हूँ, अगर वो हुआ खुला तो ठीक है, वरना फिर घर चल के कार्ड उठाते हैं और बुलेट का टैंक फुल करवाते हैं। भाई ये भी बंद है, शिट। चलो सर एक काम करते हैं घर चलते हैं, कार्ड उठाते हैं और बुलेट का टैंक फुल करवा लेते हैं आज ही। किसी पीछे वाली ब्रेक भी लूज लग रही है, चलो इसको भी हल्का सा टाइट करवा लूंगा। अरे ये खुला तो है, यहीं पे करवा लेता हूँ, खुला तो ये भी है, क्या करूँ उस पे करवाऊँ इस पे करवाऊँ किस पे करवाऊँ, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं आज। सो गाइस एटीएम कार्ड में ले आया हूँ और चेन लूप भी ले आया हूँ, तो अभी टैंक वगैरह फुल करवा के आते हैं और फिर चेन लूप करके बाइक कर देंगे खड़ी, फिर इसको निकालेंगे परसों जब निकलूंगा मैं ट्रिप पे। अरे लोग तो खोला ही नहीं। सो वॉश तो मैं नहीं करवा रहा क्योंकि देखो साफ ही है, वैसे हल्का सा कपड़ा मारूंगा सही हो जाएगी। सो अभी ना सिर्फ एक तो ब्रेक टाइट करवानी है हल्की सी पीछे वाली, और साथ में टैंक फुल करवा के बाइक को फिर आके चेन लूप करके खड़ी कर देंगे, फिर कल बनाएंगे स्कॉर्पियो में आईफोन के साथ ब्लॉग, क्योंकि एक बार मेरे को उसका कैमरा वगैरह भी चेक करना है। सो यहाँ पे करवाता हूँ ब्रेक टाइट। खाना खा रहा है, खा ले चल। अरे खा ले मैं फिर आ जाऊंगा, पीछे वाली ब्रेक टाइट करनी है हल्की सी, बस ज्यादा टाइट मत कर दियो, बस हल्की सी करियो ना। सो चलो गाइस ब्रेक टाइट करवा लिया, अब चलते हैं पेट्रोल पंप, इसका टैंक फिल करवाता हूँ। मेरे को अपने ना राइडिंग गियर्स भी निकालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे वो भी कहाँ है, सामान वगैरह शिफ्ट किया था ना उसके बाद, तो भाई सामान सारा इधर उधर रखा है। सो राइडिंग गियर्स में भी जाके ढूंढने पड़ेंगे, ग्लव्स ढूंढने पड़ेंगे यार, ये फिर रेड लाइट, फिर अंदर से जाना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पेट्रोल पंप, अब यहां पे ना टैंक फुल करवा लेते हैं, करवाऊं कहां पे, पर चलो यहां पे खाली है, फुल कर देना ऑटो कट तक ना, ऑटो कट 5 लीटर 6 लीटर 1000 का आ गया, 10 लीटर हाँ ठीक है ठीक है, इतना रहने दो। टैंक ना खाली था, 1000 का 10 लीटर आ गया। हवा भी चेक करवा लेते हैं क्योंकि बाइक ना इतने टाइम से खड़ी भी थी, कितनी बाइकें हैं, चलो एक बाइक ही है क्योंकि इतने टाइम से बाइक खड़ी भी थी ना, तो ट्रिप पे भी निकलना है, हवा वगैरह भी चेक करवा लेता हूँ। ओहो हो हो क्या गर्मी लग रही है, 22 करना आगे और पीछे 32 करना, ठीक है देखो कितने थे, ज्यादा थे देखा, ठीक थी पीछे। सो आगे थोड़ी ज्यादा हो गई थी और पीछे तो ठीक थी, चलो निकलते हैं। आहा फैन था ना, ओहो भाई क्या ठंडी हवा थी फैन के पास से। सो अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं, चल के चेन लूप करते हैं और फिर कर देंगे बाइक को पार्क और फिर निकालेंगे इसको परसों अपनी राजस्थान राइड के लिए। आह भाई ये वाला एरिया ना इतना ठंडा लगता ना यहाँ पे आगे, इतना सही एरिया है ना ये, देख रहे हो पेड़ ही पेड़ और एकदम भाई धूप तो पड़ती नहीं है यहाँ पे।
तो चलो गाइस मिलता हूँ आपसे अब सीधा घर पहुँच के, और फिर घर पहुँच के करते हैं बाइक की चेन को ल्यूब। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर पे, पर बाइक को भी बाहर ही लगाता हूँ क्योंकि चेन ल्यूब करना है, तो डबल स्टैंड पे लगानी पड़ेगी बाइक पहले यहाँ पे। सो लग गया डबल स्टैंड पे अभी। ओहो भाई हेलमेट के अंदर जो गर्मी लग रही है। सो ये रहा अपना चेन ल्यूब जो रॉयल एनफील्ड का ही है, मैं यही यूज़ करता हूँ। चेन क्लीनर भी मेरे पास इसी का है, रॉयल एनफील्ड वाला ही है। सो बाइक को करते हैं स्टार्ट। बाइक हो गया स्टार्ट, अब डालेंगे फर्स्ट गियर और इसको छोड़ दो। तो चलो गाइस हो गई अच्छे से चेन ल्यूब, इसको कर देते हैं बंद। और अभी ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, अभी दिखाता हूँ। अपने बुलेट का टायर देखना, ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ये देखो। जब एक्सीडेंट हुआ था ना इसका, जब पीछे से जब बाइक लगी थी, सब लोग लग रहा है रिम ना हल्का सा बेंड हो रखा है, इसके रिम की अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी। देख रहे हो टायर हल्का हल्का हिल रहा है ऐसे ऐसे, इसको भी करवाएंगे। अभी देख रहे हो बाइक अपनी चल चुकी है, 13,000 चल चुकी है, 15,000 पे इसकी सर्विस होनी है, सो तब करवाएंगे। ओहो मैं भूल ही गया था गियर में बाइक। चेन लूप भी हो गई है, बुलेट का टैंक भी फुल हो गया, तो बुलेट को कर देते हैं पार्क अंदर पार्किंग में। और फिलहाल के लिए इस वीडियो करते हैं पेंड। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।